अल्लाम वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स हमने एक दुबट्टा डिज़ाइन किया था जिसमें फ़्लावर्स लगाए थे और गेंज़ा का दुबट्टा था टू पॉइंट फाइव मीटर्स का दुबट्टा होता है फ्रेंड्स और उसमें फ़्लावर्स बनाने के लिए मुझे वन मीटर या वन पॉइंट फाइव मीटर का फैब्रिक चाहिए सो टूडे आई एम टेलिंग यू दैट हाउ यू कैन मेक द फ्लावर्स इन अ ईजी वे ताकि आपसे कुछ मिस ना हो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू नीड अ फैब्रिक ऑफ एटलीस्ट सिक्सटी इंचज़ द टोटल लेंथ इज सिक्सटी इंचज राइट एंड द वि ऑफ़ दिस फैब्रिक इज़ अबाउट थर्टी टू इंचज ये तकरीबन मैंने वन मीटर का कपड़ा लिया है अगर आप ज़्यादा फ्लावर्स uh, बनाना चाहते हैं बड़े बनाना चाहते हैं तो यू कैन टेक वन पॉइंट फाइव मीटर फैब्रिक बट मोस्टली ट्राई टू टेक वन पॉइंट फाइव मीटर फैब्रिक्स द लेंथ शुड बी सिक्सटी एंड द वेड शुड बी थर्टी टू ओके अब हम इस तरह कहते हैं मैंने इसको फोल्ड कर लिया है इसको आपने छः पैटर्न में फोल्ड करना लाइक like दिस फोल्डिड लाइक दिस राइट आपके पास सिक्स सर्कल्स आ जाएंगे इसमें एक फ्लावर बनाने के लिए यू नीड सिक्स सर्कल्स अब आप कोई सा भी वो ले लें जितना मैंने इंच में लगाया है जब आप उसे फोल्ड करेंगे उतना ही साइज़ का एक फ्लावर बन जाएगा तो ये आप देख सकते हैं इसको आप जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है मैंने जो है वो पेंट के डब्बे का जो ढकना होता है वो यूज़ किया है कोई मेजरमेंट नहीं रखी मैंने इसकी फिर आपने इसको अच्छे से कट कर लेना है जब आप फोल्ड करेंगे तो जितना वन मीटर फैब्रिक में आपके पास कपड़ा आएगा उतने का ही फ्लावर भी बन जाएगा फ्रेंड्स थैंक यू सो मच आपने इतना अप्रिशिएट किया हमारे इस दुबट्टे को और उसमें कुछ मिस हो गया था वो इसलिए हुआ था क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी अभी न्यू न्यूली थ्री मंथ्स हुए हैं कि हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता था और कैमरा भी सही सेट नहीं हो पाता था जिसकी वजह से चीज़ें मिस हो गई बट रियली हमने यूट्यूब चैनल आपके लिए बनाया था कि आप लर्न करें और सीखें तो इसलिए मैं आपके लिए दोबारा ये लेके आई हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो हमारे चैनल से अब आपने इस तरह इन छः के छः को फोल्ड द सर्कल्स लाइक दिस ठीक है ये फ्लावर बनाने के लिए सर्कल्स को आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है मैं आपको एक एक स्टेप बहुत ही क्लियर बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से ये बनाएं और प्लीज़ जब आप अपना दुबट्टा बनाएंगे तो प्लीज़ डू टेलस कि आपको कैसा लगा और आपका दुबट्टा कैसा बना है ना फ्रेंड्स जब आपने करना क्या है कि ये जो है लास्ट uh, वीडियो में भी आपको काफ़ी क्लियरली हमने दिखा दिया था कि आपने किस तरह इनको स्टिच करना है तो इस वीडियो में भी मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए तो आपने इस तरीके से बिल्कुल एंड में स्टिचिंग uh, स्टार्ट करनी है और बहुत ही सिंपल जो आई आई थिंक कोई भी कर सकता है नीडल uh, से uh, इस तरह का आपने uh, टांका लगा के इनको हमने ज़्यादा uh, उसका टांका नहीं लगाना ताकि ये जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे लंबा धागा लीजिएगा कलर शुड बी द सेम एज दैट ऑफ अ फ्लावर यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ एनी कलर ऑफ दुपट्टा लाइक दिस आप चाहे तो आप डिफरेंट फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कलर के आप चाहे तो सेम कलर के फ़्लावर्स यूज़ सकते हैं इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू इट्स ऑल अबाउट योर ओन चॉइस फ्रेंड्स मेनी पीपल आस्क मी दैट कैन वी मेक दिस दुपट्टा ऑन डिफरेंट अदर फैब्रिक्स लाइक कॉटन पे या उस पर कॉटन uh, पे भी बन जाएगा नेट पे भी लेकिन इस तरह के फ्लावर्स वो खिले हुए आपको नज़र नहीं आएंगे बल्कि वो गिरे गिरे नज़र आएंगे तो इसलिए आई डोंट रिकमेंड यू टू मेक इट ऑन अदर फैब्रिक ट्राई टू मेक इट ऑन और गेंजा बिकॉज इट विल लुक सो फैंसी बट इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट ऑन एनी अदर फैब्रिक देन यू कैन यूज़ कॉटन जो खड़ी हुई कॉटन होती है सख्त कॉटन होती है उस पर आप बना सकते हैं तो आप बना लीजिएगा बेशक उसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है तो फ्रेंड इस तरह मैंने ये तीन छः इस तरह मैंने पैटल सिक्स पैटल्स बना के मैंने उनको आपस में जोड़ देना है मैं एंड में देखें ये मैंने काफ़ी बड़ा धागा डाला हुआ है तो ये जब खींचेगा ना तो फ्लावर की लुक आ जाएगी इसमें फ्रेंड्स सारे बना के आपने खींचना है धागा ठीक है खींचने के बाद आपने इनको आपस में जोड़ के और जो लास्ट टू पेटल्स हैं उनको आपस में स्टिच कर लेना है जस्ट स्टिच दैट लास्ट टू पेटल्स टू मेक इट अ फुल लुक अब फ्रेंड्स ये हमारा हो चुका है तैयार अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके बीच में जो हम एक uh, लगाते हैं जो एक हमने लॉन्ग स्ट्रिप का वो बनाना है वो किस तरह बनाना है ये तो आपका रेडी हो गया तो चले अब आप इसको आपने ना थोड़ा सा खोल के रखना है और बीच में ये धागा हम दोबारा से आपको बने अब ये एक लॉन्ग स्ट्रिप है ठीक है लेंथ और विर्थ मैं आपको बता देती हूँ आप इसकी लेंथ uh, और विर्थ को मेजर कर लें तकरीबन थर्टी ये डबल फोल्डेड कपड़ा है दिस इज़ अ डबल फोल्डेड फैब्रिक एंड द लेंथ वॉज लेंथ इज़ अबाउट थर्टी एज द वर्थ इज़ अबाउट फाइव इंचज़ यू हैव टू फोल्ड इट लाइक दिस इस तरह आपने इसको फोल्ड कर लेना है और ये हमारा रेडी हो गया ये हम इससे मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको बीच में किस तरह बनाना है अब आप ये लेके धागा सेम कलर का यूज़ करें ऑलवेज यूज़ द सेम कलर ऑफ थ्रेड अब आपने स्टार्ट इस तरह करना है कि इसको थोड़ा सा इस तरह आपने इसको फोल्ड कर लेना है ठीक है और इस तरह आप इसको बाहर निकाल देंगे अब जो नीचे वाला हिस्सा है विच इज़ अनस्टिच साइड ट्राई टू स्टिच दैट साइड नीचे वाले हिस्से को मैंने आपस में जोड़ना है अब स्टार्टिंग में आपने देखा था कि मैंने उसे आधा फोल्ड किया था उससे ये होगा कि एक रोज़ की लुक आएगी इस तरह आपने ये सारा एंड तक जो है वो आपस में जोड़ लेना है जिस तरह हमने पेटल्स बनाए थे सारों को आपस में पहले जोड़ा था और उसके बाद आखिर में खींच लिया था तो वो साथ जोड़ गए थे बिल्कुल एग्जैक्टली आपने इसके साथ भी यही करना है कि अनस्टिच टाइट को आपने इस तरह स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद आपने उसे आपस में जोड़ लेना है मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आराम आराम से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और कोई चीज़ मिस ना हो और प्लीज़ डू मेक दिस डुबटा फॉर योर सेल्फ एंड फॉर यार योर फैमिली ताकि लोग इस तरह की चीज़ इस तरह के गिफ्ट आप देंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे लोगों को बहुत पसंद आएंगे यूनिक चीज़ है डिफरेंट चीज़ है तो फ्रेंड्स अब ये हम एंड तक पहुँच गए अब आपने एंड में क्या करना है कि आप इस धागे को निकाल के इस तरह इसको आपस में जोड़ लें अब ये आपके पास आ गया अब आपने इसको एक गोल शेप दे देनी है मेक अ शेप ऑफ रोज एज यू सी दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टू जस्ट फोल्ड इट लाइक अ रोज लाइक दिस इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट स्टेप जो कि लास्ट वीडियो में मिस हो गया था ये देखें इस तरह मैंने ये जोड़ा और फिर आपने इसको यहाँ से क्योंकि यहाँ से खुला रह गया है तो पहले मैं यहाँ से स्टिचिंग करूंगी और फिर मैं नीचे से इसको बंद करके आपने इस धागे को तोड़ना नहीं है इसी धागे से हम उसको अपने फ्लावर के ऊपर जो है वो स्टिच कर देंगे पहले हम इसको नीचे से बंद कर लेते हैं ये आपका हो गया कंप्लीट अब आप ये देखें ये आपके फेस इस तरह बन गया ठीक है अब आप अपना फ्लावर ले लें अब ये आपका रेडी हो चुका है इसको बीच से थोड़ा सा खोल दें और इसके अंदर आपने इसको ऐसे रख के और सुई धागे से आपने इसको सीना है ठीक है ये देखिए किस तरह आपने इसको इसके साथ स्टिच करना है स्टिच इट विद आ, आ, नीडल लाइक दिस चारों साइडों से स्टिच कर लें ताकि वो अपनी जगह से इधर उधर ना हो ये फ्रेंड्स आपका हो गया है रेडी फ्रेंड्स अब मैंने इसको थोड़ा सा ना सेक लगाना है सेक लगाने से ये होगा कि ये पक्का हो जाएगा फिक्स हो जाएगा दिस इज़ एन ऑप्शनल स्टेप अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है नहीं करना चाहते तो इट्स ओके यू कैन स्किप दिस स्टेप बिकॉज इट्स अ बिट डेंजरस यू कैन ऑल्सो बर्न योर फ्लावर ओके फ्रेंड्स नाउ इट्स रेडी दिस इज हाउ यू कैन मेक द फ्लावर ना फ्रेंड्स uh, हमारा ये रेडी हो चुका है बीड्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो दैट दे आर ऑप्शनल यू कैन यूज़ इट एंड यू इफ़ यू वॉन्ट टू तो ये आपने ग्लू गन से इसके ऊपर लगा लेने हैं ठीक है जहाँ जहाँ आप चाहते हैं जिस तरह मैं लगा रही हूँ वैसे भी फॉलो कर सकते हैं और जैसे कि आप चाहते हैं वैसे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दुबट्टे की जो साइड्स हैं उन पर आपने ये फ्लावर्स लगाने हैं दो फ्लावर आपने लगाने हैं आप चाहे तो आप तीन तीन फ्लावर छोटे छोटे बना के भी लगा सकते हैं जो लेफ़्ट साइड है उसके अपर साइड पे लग जाएगा और दूसरी साइड के ऑपोजिट साइड पे लग जाएगा यानी कि आपने दुबट्टे के एक ही साइडों पे नहीं लगाने बल्कि आपने आ, कोनों पे लगाने हैं ठीक है एक साइड पे बॉर्डर होगा और दूसरी साइड के बॉर्डर पे ऑपोजिट साइड पे होगा एक पे लेफ्ट होगा एक पे राइट right होगा तो इस तरह ये ज़्यादा प्यारा लगेगा फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पसंद आई और आपको इसमें अच्छा समझ आया तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इफ यू आर आट इफ यू आर नॉट माई सब्सक्राइबर देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विद वीडियो फ्रेंड्स दैट्स द बिगेस्ट रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी हमारे चैनल का पता चले और वो भी इससे फ़ायदा उठाएं क्योंकि हम आपके लिए बनाते हैं ताकि आप चीज़ें सीखें फ़न uh, के लिए नहीं बना रहे पैसों के लिए नहीं बना रहे किसी चीज़ के लिए नहीं बना रहे सिर्फ़ इसलिए बना रहे हैं ताकि आप कुछ सीख जाएं और uh, क्योंकि ये काम करके हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे से कोई लर्न करे तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफ़